Good morning, Amritsar. I think the best way to say good morning in Amritsar is by having some food. So and some chai. And some chai. हाँ कुल्लड़ वाली चाय यहाँ पर अमृतसर में आकर नहीं पिएंगे तो कैसे चलेगा. एंड देन ये डायलॉग इन्हें मुझसे चोरी किया है और ये आइडिया भी इनसे मुझसे चोरी किया है. तो चुपचाप आप मेरे साथ चलें और कुछ खाएं या पिए. तो मेरे ख्याल में आई एम लीनिंग टूवर्ड्स लस्सी. तो मेरे ख्याल में पंजाब में है तो ये चाय वाय थोड़ी अनओरिजिनल चीज है. सॉरी आप थोड़े इंग्लिश टाइप के लोग हैं. अमृतसर में इन्होंने शूटिंग की थी, अंग्रेज चले गए हैं लेकिन ये भूल चुके हैं. लस्सी से स्टार्ट करेंगे. तो मैं आई रियली वांटेड टू स्टार्ट विद लस्सी एंड दिस इज And we will also hear चाचा चाचा 40 लस्सी वाला भाई जी. लस्सी लस्सी नमकीन है ताड़ी की फिक्की नहीं. मैंने नमकीन लस्सी चाहिए थी. तुसी नहीं मैं नहीं रहा. मैं लवांगा चाय पांच छह कूलर वाली चाय. हां तुसी पियो ना. यू नॉट गोना हैव लस्सी. नो नो. तो आई एम द ओनली टेकर फॉर लस्सी. आपने जरा यार आपकी ये अच्छा ये लस्सी का प्राइस 40 रुपए है. अच्छा सो आई वाज वंडरिंग. तो पी नमक वाली और टेक्निक भी बता देना इनको पीने कैसे. करण यू वांट मी टू डू दैट ऑन कैमरा एंड स्पिल द होल क्रीम ऑन माय फेस. नो आई एम मुखबिर. आई एम स्पाई. आई शुड नॉट रिवील माय सेल्फ टू द पब्लिक. एंड दैट ही सेइंग ऑन कैमरा. दैट्स अ फन पार्ट. दैट्स अ फन पार्ट बिकॉज़ सो दैट द पब्लिक नोस दैट आई एम वन बिकॉज़ द पब्लिक हैज टू नो. सो इफ द पब्लिक डजंट गेट टू नो आई एम मुखबिर. ये हिंदुस्तान की जनता ये सब जानती है. हिंदुस्तान की जनता के लिए चलता है. दे शुड नो. हां करेक्ट करेक्ट. दे शुड नो देयर अनसंग हीरोज. करेक्ट. And I'm just representing one. I'm just playing a character inspired by one. Coming on 11th of November, Mukhbir, the story of a spy. Are you happy with me? I'm very happy. बहुत कमाल का प्लग था. और उसने इसके पैसे भी नहीं लिए. है ना? वो ले लिए थे. टेक्निक तो एक ही होती है मेरे ख्याल से लस्सी पीने की. वो है जस्ट टेक द लस्सी एंड जस्ट ड्रिंक इट. You drink a lot. और मुझे नहीं बनी तो यू हैव नॉट हैड इट द राइट डे. करेक्ट. मुझे होनी जरूरी है ना. करेक्ट. दिखाइए जरा एक बार. जरा चेहरा दिखाइए. मुझे दिख रही है नहीं दिख रही. एक और ग्लास. थैंक यू. आई थिंक वन वाज इनफ बट दिस इज द वे टू स्टार्ट अ डे मेरे हिसाब से अमृतसर में. अगर आप आए तो लस्सी और कूलर चाय जरूर ट्राई करें. लस्सी बहुत अच्छी लगी. थैंक यू फॉर मेकिंग मी ड्रिंक इट इन वन गल्प. इसका बदला जरूर लिया जाएगा. चाय के काउंटर पे. हाँ अब आप चलते हैं. हम शूटिंग के दौरान लस्सी वाला कितनी लस्सी आपको चाहिए. मैं शूटिंग के दौरान ज़्यादा लस्सी नहीं पी पाया. शाम को पीता था क्योंकि रोजे चल रहे थे शूटिंग में. तो उन दिनों आई वॉज मोस्टली फास्टिंग इन द डे एंड ईटिंग अ लॉट इन द इवनिंग्स. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम इन अमृतसर दैट आई एम गेटिंग टू ईट अमृतसरी फूड. अमृतसरी कुलचा फूड लवर्स पैराडाइज एंड लस्सी एंड एवरीथिंग इन द नाइट इन द इवनिंग. एंड उन दिनों बड़ी गर्मी भी थी तो गर्मी में आई थिंक दिस इवन बेटर बट इट स्टिल इज. बट नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज क्योंकि ये बड़ी डींगे मार रहे थे टू से इट इन पंजाबी. बट बिफोर वी लीव वी हैव टू पे. नो वी विल डू दैट. अब हम इससे चाय पिलाएंगे एक वन गो. वो भी कूलर चाय. विल यू डू दैट. कूलर चाय या कूलर चाय. कुल्लड़ वाली चाय ए ताड़े ले. इन वन गो. नो नो. अब आप कुल्लड़ वाली चाय अमृतसर की जो बहुत फेमस है और आप यहाँ पर आए तो जरूर लीजिए. और ये मेरे को बॉटम्स अप करने के लिए कह रहे हैं. मसला क्या है भाई, क्या चाहते हो आप? क्योंकि आपने मुझसे लस्सी बॉटम्स अप करवाई है. मैं बोल नहीं पाऊंगा, गा नहीं पाऊंगा. दैट्स व्हाट वी वांट. नो नो वी वांट यू टू कंटिन्यू स्पीकिंग एंड सिंगिंग इन योर लवली वॉइस. है ना अच्छी. वी कैन हैव अ सिप. या है ना. इट्स वेरी नाइस. एक और बोलूं? नहीं नहीं मेरा मिक्स बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा. बट आई थिंक दिस इज द वे टू एंजॉय द मोस्ट इन अमृतसर. पहले खाएं. नहीं पहले दर्शन करें फिर खाएं और उसके बाद शॉपिंग करें. शॉपिंग तो बरखा करी लेगी. शॉपिंग कैसे. हाँ दैट्स नॉट आवर डिपार्टमेंट. आवर डिपार्टमेंट इज ईटिंग डिपार्टमेंट. सो बाकी तमाम चीज़ें आर लेफ्ट टू द बेटर.
इट्स ब्यूटीफुल करेक्ट गुड वेदर टू कम दिस हियर इन तब कहीं भी अगर है आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल बिसाइड्स वाचिंग मुखबिर कहीं भी है आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू कम टू अमृतसर फॉर अ नाइस वेकेशन या फिर आप अमृतसर में आकर भी मुखबिर देख सकते हैं वो ऐप पे है तो आप फोन पे भी देख सकते हैं So very, I think हम सुबह से we just trying to better each other in terms of who's more clever here. But that's इससे पहले कि भी God of hand. करण आप बता रहे थे हमें कि आप पैदा हुए थे अमृतसर में आपके पापा की पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो it's a great connection इस तरीके से because your dad also belongs to the army and अमृतसर से हमारा भी connection है army से भी हमारे show का connection है so anyway but tell us a little bit about your experiences in अमृतसर and also your experiences your first memories about कुल्लड़ ये कुल्लड़ वाली चाय से ना मुझे exam याद आते हैं because रात में पढ़ाई करने के लिए पूरी पूरी रात पढ़ते थे सुबह स्कूल में रहते थे ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे तो उसको कवर करने के लिए रात को तो उस टाइम में कूलर वाली चाय और स्पेशली जहाँ पे यहाँ पर ठंड पड़ती है ना कड़ाके की अमृतसर में तो जो इसका जो मज़ा है ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता है हम मुंबई के निवासी हैं वहाँ पर तो इस तरह की चाय मिलती नहीं है और शायद इसका जायका भी बदल जाता है यहाँ पर आने के बाद तो अगर आप अमृतसर आएँ और कूलर वाली चाय ना पें तो फिर ये थोड़ी ज्यादा है अमृतसर के साथ भी और कूलर वाली चाय के साथ भी तो मैं इसको आई एम हैविंग इट एंड रियली हैविंग अ गुड टाइम सो डेफिनेटली एज यू कैन सी And here, that if you come to Amritsar, please have this chai. But I will also tell our Mumbai people that I love the Mumbai cutting chai as well. But ये वाली भी बहुत अच्छी है. Sorry, you're just competing with this. ऐसे comparison नहीं करना चाहिए.